कटहल की सब्जी बनाने के लिए कटहल को कट कर लेना है और इसको फ्राई कर लेना है तेल में। मैंने कटहल को काटा और फ्राई कर लिया। मैंने लिए 2 प्याज, उसको कस लिया और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा लिया, उसको भी मैंने कद्दूकस से कस लिया। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। मैंने लिया कुकर, कुकर में लिए तेल, तेल में मैंने डाला जीरा और अदरक और कटे हुए हरे मिर्च। इसको डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी कसा हुआ प्याज और इसको फिर चलाऊंगी। अच्छी तरीके से चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक इसलिए डालती हूँ क्योंकि जल्दी से प्याज भुन जाता है। और अभी मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी और हमारा फ्राई किया हुआ कटहल डालूंगी। मैं इसमें कटहल अब डालने जा रही हूँ। कटहल को डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी मसाले। मसालों में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर थोड़ा सा और गरम मसाला। अब इन सबको डालने के बाद मैं फिर से इसको चलाऊंगी और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी डालने के बाद मैं इस कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और 3 सीटी के तक इसको चढ़ाऊंगी गैस पर। 3 सीटी बज जाने के बाद मैं उतारूंगी। मेरे 3 सीटी बज चुकी और सब्जी तैयार है। अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। सच में ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी है कि पूछिए नहीं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।